बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली फूड। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मिक्स जैम, जो हम घर में बहुत ही आसानी से बनाएंगे और बहुत ही जल्दी ये बनता है। तो जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट है अपनी मर्जी के, आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद काट के आप एप्पल डाल दें, ये आड़ू है, ये ग्रेप्स हैं, जो भी आप अपनी मर्जी के अपनी पसंद के डाल सकते हैं। ये 2 अदद पर्शियन ऑरेंज है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें ऐड कर लें। ये मेरे पास आम की प्यूरी पड़ी हुई थी, मैं ये भी डाल रही हूँ। अगर आपके पास है मैंगो तो आप डाल दें। इसमें टोटल आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह भी जो उनसे भी फ्रूट रखने हैं आप इनको कर लें। अब हमने इनको मशीन से ब्लेंडर से इसकी प्यूरी हमने बना ली। ये इस फॉर्म में हमने इसको करना है और अब हम इसको पकाएंगे। एक तेज़की ले लें, इसमें हमने ये सारा डालना है। मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है। इसको हल्की आंच पे पहले बॉईल होने दें। ये हमारी प्यूरी जो है गर्म हो गई है, इसमें हल्के हल्के बबल बनना शुरू हुए हैं। अब इसमें हमने 250 ग्राम चीनी शामिल करनी है। फ्रूट में भी ऑलरेडी मीठा होता है, तो आप इसी हिसाब से इसमें ऐड करें। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और लो से मीडियम आंच पे हमने इसको पकने देना है। ये बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान है, घर में आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको आपने बहुत हल्की आंच पे रखें ताकि चीनी नीचे लगे ना। पहले चीनी को मिक्स होने दें, उसके बाद हल्की आंच पे आप इसको पकने दें। इसमें हमें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इसको आप कवर करके रख दें। ये देखें 10 मिनट के बाद ये ठीक होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसमें और गुंजाइश है। इसको हमने बहुत ज़्यादा ठीक करना है जो चम्मच पे ठहर जाए। इसको अभी हमने 10 से 15 मिनट और हल्की आंच पे पकने देना है। जैम हमारा तैयार हो गया है। इसमें देखें जो फ्रूट्स का पानी था वो सारा खुश्क हो गया है और ये थिक हो गया है। हमें इसी फॉर्म में चाहिए था। ये ऐसे आप कर लें, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। इसको अब हमने ठंडा होने देना है। चूल्हा बंद कर दें और इसको मुकम्मल ठंडा होने दें। ये देखें व्यूअर्स, जैम तैयार हो गया है। मैं इसको ब्रेड पर लगा के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार है। ये बच्चों को आप बना के घर में दें, यकीनन वो पसंद करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। घर में ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बना के दें, लंच में बना के दें, बग़ैर किसी केमिकल के। ये बहुत ही आसान बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।